हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मैनी एंड मच। दोनों का मतलब होता है ज़्यादा, लेकिन मैनी का यूज़ होता है काउंटेबल नाउन के साथ और मच का यूज़ होता है अनकाउंटेबल नाउन के साथ। काउंटेबल नाउन वो होते हैं जिसे हम काउंट कर सकते हैं, जिसे हम गिन सकते हैं, और अनकाउंटेबल नाउन वो होते हैं जिसे हम गिन नहीं सकते, जिसे हम काउंट नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई हैव मैनी बुक्स, तो बुक को काउंट किया जा सकता है, एक बुक, दो बुक, तीन बुक। ओके, योर चिल्ड्रन हैव सो मैनी टॉयज़, टॉयज़ खिलौनों को भी काउंट किया जा सकता है। ओके, शी हैज़ मैनी पेन्स, उसके बाद बहुत सारी पेन है, तो पेन भी काउंटेबल होती है। ओके, तो ये सब चीज़ को हम काउंट कर सकते हैं, तो ये सब चीज़ फॉल होती है मैनी के अंदर। अगर मैं बात करूँ मच की, तो मच का यूज़ होता है अनकाउंटेबल नाउन के साथ। अनकाउंटेबल नाउन वो होते हैं जिसे हम काउंट नहीं कर सकते, जैसे कि वाटर हो गया, हेट हो गया, लव हो गया, मिल्क, ऑयल, दीज थिंग्स आर अनकाउंटेबल। ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल, आई हेट यू वेरी मच। ओके, सो हेट को हम काउंट नहीं कर सकते। ओके, हाउ मच डू यू लाइक योर जॉब, आप अपने वर्क को कितना पसंद करते हो, अपनी जॉब को कितना पसंद करते हो, तो जॉब जो मीन्स आप अपनी जॉब को जो पसंद करते हैं वो भी काउंट नहीं हो सकती। वी शुड नॉट रिलाई टू मच ऑन पीपल, हमें लोगों पे भरोसा ज़्यादा नहीं करना चाहिए, ज़्यादा उन पे डिपेंड नहीं होना चाहिए। ओके, तो ये सब चीज़ जो होती है वो अनकाउंटेबल होती है, तो इनका यूज़ मच के साथ होता है। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो।